गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCS 188 सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, इसका जो हमारा चैप्टर नंबर 7 रहेगा, या हमारी आप कह सकते यूनिट नंबर हमारी 7 रहेगी। आज हम यूनिट नंबर 7 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या रहता, हस्तक्षेप। बताइए आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे इसमें क्या है 7.2 है और 7.3, ये दोनों को एक मेक ही में करके ही पढ़ा जाए। देखो, हस्तक्षेप का अर्थ क्या है या उसकी प्रकृति क्या है, और हस्तक्षेप के प्रकार बताइए, ये आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान में हस्तक्षेप का अर्थ और उसकी प्रकृति को बताइए, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता। दूसरा जो हमारा रहेगा इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को दो, हस्तक्षेप डिजाइन 7.4 देखेंगे क्या, हस्तक्षेप डिजाइन और प्रतिपादन बताइए, हस्तक्षेप डिजाइन क्या है या इसका प्रतिपादन कैसे किया गया है बताइए। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा 7.5 रहेगा, व्यवहारिक हस्तक्षेप मूल्यांकन के प्रकार बताइए, यानी जो हस्तक्षेप होता है उसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, ठीक है, या जैसे व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में हस्तक्षेप के विभिन्न प्रकार के मूल्यांकनों पर टिप्पणी कीजिए, इस टाइप से। यानी 7.4 और 7.5 क्या रहेगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इन्हीं चीज़ों को आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज हम क्लास की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 7.2 क्या रहेगा हमारा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 7.2, हस्तक्षेप की व्याख्या एक सुनियोजित योजना या कार्यविधि के रूप में किया जा सकता है, यानी हस्तक्षेप जो है, ठीक है, हस्तक्षेप की जो व्याख्या है उसको एक सुनियोजित कार्य योजना, यानी जब कहीं किसी काम को करने के लिए कोई योजना बनती है या कार्यविधि की जाती है तो उसके रूप में हम कह सकते हैं, यानी हस्तक्षेप को बताया जा सकता है, जो समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को सुधारने के लिए या व्यक्ति में मौजूदा व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए, जैसे बोलते नहीं इंसान भाई हस्तक्षेप क्यों करे, यानी व्यक्तियों का जो व्यवहार है और व्यक्तियों का मौजूदा व्यवहार है, ठीक है, उसको सुधारने के लिए। मान लो जैसे किसी का लड़का है, ठीक है, वो धूम्रपान करता है, शराब वराब पीता है, तो अगर उसका जो व्यवहार है उसको सुधारेंगे या ठीक करेंगे तो उसमें क्या हस्तक्षेप करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा भैया तुमको शराब नहीं पीनी है, तुमको ये नहीं करना। यानी जब हम समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को सुधारने के लिए या व्यक्तियों में जो मौजूदा व्यवहार हैं उनमें परिवर्तन के लिए कुछ करते हैं तो उसी को हस्तक्षेप बोला जाता है। हस्तक्षेप यानी किसी चीज़ में इंटरफेयर कर देना भैया, कि कोई व्यक्ति है हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं वो जैसा जीवन जी रहे हैं उनको अगर उसमें हम क्या करेंगे, वो गलत व्यवहार करें, अगर हम समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को सुधारने के लिए या कह सकते हैं कि व्यक्तियों में जो मौजूदा व्यवहार हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या उसको अगर हम प्रभावित करते हैं तो इसको हस्तक्षेप बोला जाता है। बोलते नहीं है कोई व्यक्ति है जैसे लाइफ जीवन जी रहा, या कोई इंसान है जैसे मान लीजिए चोरी करता है, लूट मार करता है, लेकिन जब उसको समाज बोलेगा भैया तुमको चोरी नहीं करनी है, लूट मार नहीं करनी, गलत चीज़ है, यानी हम उसका क्या करेंगे, हम उसका पूरी तरह से जो व्यवहार है उसको बदलेंगे, इसी को क्या बोला जाएगा, हस्तक्षेप करना। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, यानी व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में जो हस्तक्षेप है व्यक्ति के व्यवहारों को परिवर्तन करने के लिए माना जाता है। यानी जो व्यक्ति का व्यवहार है, यानी आम जो व्यक्ति है वो जिस तरह से व्यवहार करता है, जिस तरह से रिएक्ट करता है, यानी जब हम व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं या किसी इंसान का जो नेचर है उसको नेचर को जो हम चेंज करेंगे तो हस्तक्षेप हमें करना पड़ेगा ना भैया, उसको बताना पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति है सुबह 8 बजे सो करके उठता है तो उसको बताया जाएगा ना कि सुबह 5 बजे उठ के उठना है, तो इसी को क्या बोला जाएगा, हस्तक्षेप किया जाए। ऊपर कहता ना कि मेरी जिंदगी मेरी लाइफ इसमें कि तुम टांग अड़ा रहे हो, यही जो टांग अड़ाना लोग बोलते हैं ना इसी को बोला जाता है हस्तक्षेप करना। यानी हमारे समाज में जो लोग जीवन जी रहे हैं जब हम उनको सुधारने के लिए या उनको जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए या उनका जो व्यवहार है जो नेचर है उसमें परिवर्तन करने के लिए जो हम काम करते हैं, जो गतिविधि करते हैं या जो योजना बनाते हैं, जो कार्यविधि होती है उसी को हस्तक्षेप बोला जाता है। या हम कह सकते हैं समाज में जो व्यक्ति हैं जैसा उनका व्यवहार है, जैसा उनका आचरण है, अगर हम उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हस्तक्षेप बोला जाएगा। उदाहरण के साथ भी मैंने आपको बताया। देखो,
उदाहरण के बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने के लिए जागरूकता अभियान समाज में लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकता है। जैसे भैया कि पोलियो ड्रॉप के लिए हम परिवर्तन लाते हैं ना, लोगों का जो माइंड सेट है बदल सकता है। जैसे आपने देखा कि हमारे समाज में क्या होती भैया, कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी। आपने देखा होगा ना समाज में हस्तक्षेप, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, जो लोग बेटियों को मारते थे लड़कियों को पढ़ने, ये क्या करें, समाज का माइंडसेट बदले, यानी हस्तक्षेप ही। तो सरकार जब कह रही भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके जरिए क्या है, सरकार जो हमारे समाज में जो लोग हैं जो बेटियों को मारते थे या कोख में मार देते थे या अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, उनको या उनका जो माइंडसेट था या जो उनकी सोच थी उसमें क्या कर रही है, बदलाव ला रही। उसी तरह जैसे पोलियो ड्रॉप का यहाँ पर दिया गया कि भैया पोलियो ड्रॉप यानी भैया अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाओ, नहीं तो बच्चा विकलांग हो सकता है, इसके लिए क्या किया जाए, उनका जो जो आम लोगों की सोच उसमें परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा है। इस तरह के हस्तक्षेप आप प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, यानी हम हस्तक्षेप करके व्यक्ति का जो व्यवहार है जो नेचर उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप का सबसे बड़ा लक्ष्य व्यक्तियों के व्यवहारों में समाज या समुदाय में इच्छा परिवर्तन लाना। तो मनोविज्ञान में अगर देखेंगे जो हस्तक्षेप होता है ताकि हम जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है समाज के अनुरूप ला सकें। अगर कोई मान लो समाज के अनुरूप काम नहीं करता, या मान लीजिए कोई असामाजिक तत्व तो है या गलत काम करता है, जैसे कह सकते हैं कि जैसे वो जागरूक नहीं है, यानी हर व्यक्ति को जागरूक बना करके हर व्यक्ति में परिवर्तन ला करके ताकि उसके समाज से जोड़ा जा सके। सामाजिक मनोविज्ञान में हस्तक्षेप जो है उसके उसमें व्यक्तियों का व्यवहार को चेंज करने के लिए एक बड़ा प्रकार माना जाता। अब हम देखेंगे हस्तक्षेप के प्रकार। आप लोग मुझे आशा है कि समझ गए हो भैया कि हस्तक्षेप क्या होता, बोलता नहीं है। जैसे तुम मान लो तुम रहते हो घर पे, तुम 8 बजे रोज उठते हो, मान लो तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ गया, बोलेगा बेटा तुम 8 बजे सो करके उठते हो, अच्छा नहीं, तुमको 5 बजे सो करके उठना है, 5 बजे उठना है, व्यायाम करना है, यानी वो क्या कर रहा है, तुम्हारे लाइफ में हस्तक्षेप। तुम बोलोगे नहीं मेरे मैटर में तांग अड़ा रहे हो। इसी को बोलते हैं जब वो तुमको बताएगा भैया 5 बजे उठना है, सुबह दौड़ना है, इससे तुम्हारा सेहत अच्छी रहेगी, इसी को बोलते हैं हस्तक्षेप। क्योंकि वो हस्तक्षेप करके यानी अब टांग अड़ा कर या कह सकते हैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करके आपका जो व्यवहार है, आपको जो उठने का जो टाइम है 9 बजे है 8 बजे है, उसको बदल रहा ना, परिवर्तन हो रहा ना, इसी को भैया बोलते हैं हस्तक्षेप। चाहे समाज में ले लो, समाज भैया कन्या भ्रूण हत्या कर रहा है, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उन सारी बुराइयों को जब हम लोगों को जागरूक करते हैं, भैया ये तुमको बुराई नहीं करनी है, जब उनको जागरूक करते हैं तब वो लोग जागरूक होते हैं, उनका जो सोच होती जो माइंडसेट होता बदलता है। पहले के हमारे समाज में क्या होता, बहुत ज़्यादा लड़कियों को लोग मारते थे ना, उसके बाद सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बहुत सारी जैसे दहेज प्रथा को लेकर के तमाम चीज़ों को जागरूकता अभियान चला करके समाज जो हमारा समाज जो हमारा सोसाइटी है उसमें हस्तक्षेप करके उनके जो नेचर है जो उनका व्यवहार है उसमें परिवर्तन करने का प्रयास को किया जा रहा है, इसी को भैया हस्तक्षेप कहा जाएगा। अब हम देखेंगे हस्तक्षेप के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में हस्तक्षेप 2 प्रकार का, एक तो होता है व्यक्तिगत, भैया किसी को व्यक्तिगत रूप से बता दो हस्तक्षेप गलत। दूसरा होता कार्यक्रमों कार्यक्रम संबंधी जागरूकता के जरिए, पहले व्यक्तिगत कर दो भैया, हर व्यक्ति को बता दो तुमको ऐसा करना तुमको ऐसा करना, हर ये व्यक्ति व्यक्ति में यानी हम कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से जब किसी व्यक्ति को। दूसरा कार्यक्रम के जरिए, जैसे जागरूकता अभियान, जैसे बेटियों को कोख में जा रहा था पढ़ने जाते तो उसके लिए कार्यक्रम चले, यानी जब हम जागरूकता के जरिए और हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत हस्तक्षेप एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप जो समाज में व्यक्तियों की खुशहाल जीवन के लिए व्यक्तिगत व्यवहार में आवश्यक परिणाम, यानी व्यक्तिगत जो हस्तक्षेप होता है उसमें मनोविज्ञान में बोलें तो व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, व्यक्तियों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करता है, ताकि जो व्यक्ति है जो हमारा समाज में जो एक व्यक्ति है उसका उसमें उसका जो व्यवहार है उसके नेचर को परिवर्तन ला बदल करके हम उसके हंसी खुशहाल यानी उसकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप एक ऐसा हस्तक्षेप होता है जो समाज में सामाजिक अत्याचारों को रोकने में, सामाजिक अत्याचार जैसे दहेज है, कन्या भ्रूण हत्या है, नशा है, चोरी है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, यानी जो कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप होता है या समाज में जो अत्याचार है या समाज में जो कुरीतियां हैं जो सामाजिक बुराइयां हैं उनमें लोगों का जो माइंडसेट है जो विचारधारा है उसको परिवर्तन करने के लिए कुछ गतिविधियां एवं योजनाओं को लागू करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे समाज में हिंसा है, दादागिरी है, शराब है, लोग नशा करते हैं, लोग धूम्रपान करते हैं,
कन्या भ्रूण हत्या इस प्रकार की जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम कार्यक्रम चलाते हैं। सरकार कई सारी योजनाएं चलाती, कई सारी नीतियाँ चलाती हैं, बहुत सारे तो गाने वाने बनते भैया, नशा न करना, मान लो कहना, मेरे प्यारी बहना होगी बड़ी खराबी। इस प्रकार से यानी हमारी जो सरकारें होती हैं तमाम तरह की, यानी सरकार नशाबंदी को लेकर के तमाम हमारी जो समाज उसको जागरूक किया जाता है, दहेज प्रथा को लेकर के तमाम गीत बनते हैं ताकि हम समाज को गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ताकि उनका जो सोच है, जो माइंडसेट है, उन्हें परिवर्तन कर सकें। इसी यानी हस्तक्षेप किया जाता है, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें, चाहे आप कार्यक्रमों के जरिए हस्तक्षेप करें, यानी उनको कोई, बहुत सारे तो भैया टीवी सीरियल बना करके जागरूकता बढ़ाई जाती है, तो जो हस्तक्षेप है। तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है, देखेंगे। देखो, लंबी अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों में समुचित हस्तक्षेप का प्रोग्राम, यानी जैसे हमारी लंबी अवधि का कोई प्रोग्राम, जैसे हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या होती थी, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या तो थी, लड़की को पढ़ाई लिखाया नहीं जाता था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये लंबी अवधि का कार्यक्रम है भैया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई जो उसके लिए कोई ना कोई भैया प्रोग्राम बनाना, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे समाज में धूम्रपान है, दहेज है, कन्या भ्रूण हत्या है, चोरी है, हिंसा है, इस चीज़ों को बदलने, इन चीज़ों में हस्तक्षेप करने के लिए हमें क्या करना करा है, प्रोग्राम बनानी पड़ेगी, यानी हमें नीतियों के जरिए काम करना पड़ेगा। थॉमस रॉय थॉमस और लेकिन ने हस्तक्षेप प्रोग्राम की व्याख्या इस प्रकार की है, निश्चित एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी संगठित गतिविधियों को समूह का होता है। यानी अगर हमारा जो लक्ष्य है निश्चित है भैया, हमारे समाज में बेटियों को मारा ना जाए, कोख में उनकी हत्याएं ना की जाएं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक संगठित लक्ष्य बनाना पड़ेगा, समूह में मिलकर लक्ष्य, यानी सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तभी जा करके जो हमारा लक्ष्य है कि भैया बेटियों को कोख में ना जाए, तभी हम लक्ष्यों को प्राप्त करें। यानी प्रोग्राम की परिभाषा क्या होगी, यानी जो हमारे जो मान लो समाज में हम कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, यानी समाज में समाज के व्यवहार के जो बड़ा व्यवहार बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, नीति बनानी पड़ेगी, नियम बनाने पड़ेंगे। देखो, व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में हस्तक्षेप प्रोग्राम समाज और समुदाय की नकारात्मक व्यवहार या प्रथाओं को दूर करने के लिए क्रियात्मक समूह है। यानी जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे मान लो टीवी सीरियल बनता है, गाने बनते हैं, सरकार की नीतियां बनती हैं, इस प्रकार के, यानी सरकार गानों के जरिए, गीतों के जरिए, फिल्मों के जरिए, विज्ञापन के जरिए, इस प्रकार से जब हम चीज़ों को करते हैं, यानी जब हम समाज में या हमारा जो समाज है, जो समुदाय, उसमें अगर कोई कुप्रथा है, कोई कुरूति है, या कोई गलत काम हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक पूरा प्रोग्राम बनेगा, उसके तहत उस व्यवहार को यानी समाज का जो व्यवहार, उसको परिवर्तन करने के, यानी कुछ उसके जरिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम के जरिए। कुछ परिस्थितियों में हस्तक्षेप प्रोग्राम सकारात्मक परिस्थितियों में भी, जैसे उदाहरण पहले से प्रभावकारी संगठन का उत्पादन, जैसे कई सारे जो हम शिक्षा को बढ़ाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, देखो जो प्रोग्राम बनेगा, जो समाज में परिवर्तन, जैसे शिक्षा को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं भैया कि पढ़ें सब बढ़ें, इस प्रकार के जो मोटिव हैं, ये क्या है, समाज में क्या करते हैं, यह सकारात्मकता के लिए भी प्रोग्राम है। यानी जब समाज में हमें जागरूक करना है, या समाज को किसी चीज़ में एक्टिव करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समाज पार्टिसिपेट करे, तो उसमें भी भैया हस्तक्षेप करना पड़ा, हमारे सभी समाज के सभी लोग पढ़ें बढ़ें और आगे जीवन में अच्छी नौकरियों को प्राप्त करें, इसके लिए भी यानी कह सकते हैं कि सकारात्मक कामों के लिए भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम बनाना पड़ता है, उसमें भी हस्तक्षेप, यानी जो प्रोग्राम बनेगा, जो गाने बनते हैं, यानी प्रोग्राम के जरिए जो होता है उसको परिवर्तन में, उसके लिए भी क्या सकारात्मक, चाहे समाज में कोई बुराइयां हो या समाज में कोई अच्छा काम करना है, उसके लिए भी हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, नीति बना, यानी समाज का जो व्यवहार है उसको चेंज, चाहे समाज का नकारात्मक व्यवहार है चाहे सकारात्मक व्यवहार है, उसमें परिवर्तन के लिए सभी चीज़ों को हमें करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे हस्तक्षेप निरीक्षण क्या होता है, आगे देखिए, देखो हस्तक्षेप निरीक्षण का उद्देश्य हस्तक्षेप को सकारात्मक प्रभाव की जाँच करना, यानी जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, जो हस्तक्षेप किया गया, जो भैया जैसे नीति बनी, कानून बने, उनकी जांच भी तो करना पड़ेगा कि वो जो हमने बोल दिया कि बेटियों को कोख में नहीं मारना है, ठीक है, सब पढ़ें सब बढ़ें, या इस प्रकार की जो हमारी नीति चली, वो नीतियां काम भी कर रही हैं, उसकी जांच भी करना जरूरी होता, कौन W. Weber के अनुसार इस तरह के हस्तक्षेप परीक्षण
हस्ताक्षेप प्रोग्राम से कैसे जुड़े होते हैं, हस्ताक्षेप परीक्षण के प्रकार बताओ। यानी जो हम लोग हस्ताक्षेप कर रहे हैं, जो हम समाज में परिवर्तन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह समाज परिवर्तन कर सके या समाज बदले या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन आए, तो उसके लिए हस्तक्षेप परीक्षण। यानी भैया जैसे तुमने बताया कि जैसे सरकार का कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको जांचना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा कि जो बेटियां हैं उनकी जो कह सकते हैं कि जो जो जन्म दर है वह बढ़ रही है, बेटियां कॉलेज में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। यानी कह सकते हैं कि 1000 लड़कों पर 1000 लड़कियों की जो संख्या है वह बढ़ रही है नहीं, यानी उसकी जांच भी तो करना जरूरी है। जैसे हमने कह दिया कि भैया धूम्रपान नहीं करना है, नशा नहीं करना है, इस प्रकार की चीज़ों को, तो क्या सच में समाज में जो लोग हैं समाज में नशा नहीं कर रहे हैं, या जो हस्तक्षेप हुआ है, जो सरकार की नीतियाँ प्रोग्राम है, समाज बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, इसकी जांच भी करना चाहिए। आपने तो बता दिया, जैसे मैंने बोला भाई कोई लड़का है 9 बजे सोकर के उठता है, ठीक है, तो बोला बच्चा तुमको 5 बजे सोकर के उठना है, तो 5 बजे तो बता दिया तुमने, हस्तक्षेप कर दिया उसके, यानी ताकि वो बदल जाए। अब चेक भी तो करो बच्चे वो 5 बजे उठ रहा कि नहीं उठ रहा, फिर भी 8 बजे तो नहीं उठ रहा। यानी जब आपने हस्तक्षेप किया है तो उसको जांचना भी बहुत जरूरी है कि वह सकारात्मक परिणाम आ रहा कि नहीं आ रहा, उसके चेकिंग यानी निरीक्षण करना। देखो हस्तक्षेप परीक्षण के दो प्रकार होते हैं। पहला, जब शोधकर्ता किसी हस्तक्षेप प्रविधि की समर्थता का परीक्षण करता है। दूसरा, शोधकर्ता किसी हस्तक्षेप कार्यक्रम को किसी संगठन में लागू करने से पहले हस्तक्षेप को छोटे स्तर पर लागू करने के पश्चात उसका परीक्षण करता है। देखो जो हस्तक्षेप होता है ना, उसका हम क्या कर सकते हैं, शोधकर्ता हस्तक्षेप की प्रविधि समर्थन करता है। देखो क्या कर सकते हैं, जैसे आपने, ठीक है, जैसे आपने कोई कार्यक्रम बनाया है, ठीक है, जैसे आपने बताया कि नशा नहीं करना है, नशा को दूर भगाना है, हमारे समाज में नशा फैल गया, तो आपने भैया हस्तक्षेप कर दिया, उसके लिए जागरूकता हो रही है, तो उसको चेक करो कि वो हस्तक्षेप जो आपने किया, जागरूकता अभियान चलाया है, वह कितना सही है, वह कितना नहीं सही है, इसको चेक भी करना पड़ेगा, इसकी जाँच भी। पहले तो क्या कर सकते हैं हम, किसी छोटे स्तर पर जो हमारी नीति है, जो हमारा प्रोग्राम, उसको लागू करें, वहाँ पर चेक करें, अगर वहाँ पर वह सफल होता है तो हम उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यदि कोई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी वैक्सीन बनाकर पहले उसे छोटे प्रतिदर्श का परीक्षण करती है, यदि परिणाम सार्थक आते हैं तो उस वैक्सीन को बड़ी जनसंख्या के लिए तैयार माना जाएगा। यानी अगर आप हस्तक्षेप कर, जैसे आपने बोला है कि भैया कि कन्या भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए, तो इसको पहले हमें किसी एक जिले पर लागू करना होगा, वहाँ पर जागरूकता बढ़ाओ, लोगों को जागरूकता फैलाओ, और कुछ समय के बाद, एक साल के बाद चेक करो क्या वहाँ पर सच में लोग जागरूक हुए हैं। अगर वहाँ लोग जागरूक हुए हैं और वहाँ पर बेटियाँ पढ़ने जा रही हों, बेटियों को बचाया जा रहा, बेटियाँ कोख में नहीं मारी जा रही, तब जाके आप पूरे देश पर आपको लागू करना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला है कि जैसे हमें हस्तक्षेप कह सकते कि परीक्षण कैसे किया जाए, जैसे आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसके छोटे रूप में लागू करो, और छोटे पर लागू करो, जब उसका अच्छा रिजल्ट आए तो उसके बड़े या बड़े पैमाने पर पूरे देश पर उसे लागू कर देना चाहिए, यदि परिणाम अच्छा आए तो जनसंख्या तैयार माना जाए। इसी प्रकार से जब हस्तक्षेप किया जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका हस्तक्षेप क्या होता है, सामाजिक विज्ञान में प्रकृति क्या है, अर्थ क्या है, तो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगला जो हम देखेंगे, हस्तक्षेप डिजाइन एवं प्रतिपादन क्या होता है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता हूँ मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। हस्तक्षेप डिजाइन और प्रतिपादन की चरण की व्याख्या कीजिए। यानी हस्तक्षेप इसमें जो चरण है, कितने चरण हैं, इसमें लगभग 4 चरण होते हैं, ठीक है। हस्तक्षेप डिजाइन यानी जो हस्तक्षेप बनाया गया है, जो पूरा डिजाइन है, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं क्या हस्तक्षेप की प्रभावशीलता, यानी जो हस्तक्षेप वो प्रभावशाली है कि नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हस्तक्षेप की प्रभावशीलता मुख्यतः हस्तक्षेप की संरचना और उसके प्रकारों पर निर्भर करती है। यानी जो आपने जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, कितने सही कितने नहीं सही हैं, कितने एक्टिव हैं, उसके हस्तक्षेप की संरचना ही हस्तक्षेप का डिजाइन होती है। यानी हस्तक्षेप जो संरचना, जो बनावट होगी, कैसे परिवर्तन लाया जाएगा, कैसे चेंज किया जाएगा, उसका जो प्रोग्राम होगा वही उसका डिजाइन होती है। हस्तक्षेप डिजाइन की प्रक्रिया एवं प्रतिपादन 4 चरणों में लागू है। यानी हस्तक्षेप जो है उसकी प्रक्रिया है, जो उसका चरण है, जो पूरा डिजाइन है, वो 4 चरणों में लागू होता है। जो व्यवहार सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत, यानी जो व्यवहार सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तियों या समूहों में समस्या समाधान के लिए, यानी जो क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों समूहों में समस्या समाधान के लिए क्या होते हैं, परिलक्षित होते हैं। क्या होते हैं, परिलक्षित होते हैं। हस्तक्षेप डिजाइन या प्रतिपादन में निम्नलिखित चरण होते हैं। यानी हस्तक्षेप डिजाइन में क्या होते हैं भैया, हस्तक्षेप यानी जो पूरा कार्यक्रम बनेगा, ठीक है, देखो
जैसे आपको समाज में कोई परिवर्तन लाना, समाज की सोच चेंज करनी है, समाज में, समाज के व्यवहार में परिवर्तन, तो उसके लिए आपको कैसे करेंगे, यानी परिवर्तन कैसे लाओगे, उसके लिए क्या आपको पूरा एक डिजाइन बनाना पड़ेगा, एक प्रारूप बनाना पड़ेगा, एक नीति बनानी पड़ेगी, एक नियम बनाना पड़ेगा। जो नीति और नियम बनेगा उसमें क्या, उसमें चार चरण होंगे। तो पहला जो चरण हस्तक्षेप डिजाइन एवं प्रतिपादन के चरण, अब हम देखेंगे जो हस्तक्षेप डिजाइन है वो प्रतिपादन के कौन कौन से चरण हैं। तो पहला जो चरण क्या होता भैया, कि मान लो समाज में सबसे पहले तो आपको यही डिफाइन करना पड़ेगा कि समस्या की पहचान करना, आखिर जिन चीज़ों को हम बदलना चाहते हैं उसकी पहचानो, तो समाज में ये पहचानो भैया कन्या भ्रूण हत्या दूर करना है, कि भैया कि आपको शराब की समस्या है, धूम्रपान की समस्या है, या कह सकते हैं कि हमारे समाज में हिंसा है, रेप है, बलात्कार है, इस प्रकार की, यानी सबसे पहले भैया हमें समस्या को पहचान करनी पड़ेगी। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाएगी, फिर समस्या के समाधान तक पहुंचना पड़ेगा। आपने पहले तो समस्या को पहचानो कि क्या समस्या है समाज में, यानी समाज में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसमें हमें इंटरफेयर करना है, हस्तक्षेप करना है, ताकि वह जो समस्या जो कुरीति है, या वो सकारात्मक भी हो सकती है, ऐसा नहीं आपको कोई सकारात्मक है, तो सबसे पहले समस्या की पहचान की जाए, सबसे पहले समस्या को जाना जाए, उसके बाद क्या समस्या के समाधान तक पहुँच, यानी जो समस्या, जैसे आपको पता चले भैया कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, बेटियों को मारा जा रहा है, तो उसका समाधान क्या है, बेटियों की हत्या को कैसे के? अगर आपको पता चल गया भैया कि हमारे समाज में धूम्रपान यानी लोग नशा बहुत कर रहे हैं, तो उस नशे को पहले तो जानो, उसकी समस्या तक पहुँचो, फिर उस समस्या का समाधान क्या है, भैया समस्या तो पता चल गई कि फलानी समस्या हमारे समाज में बनी हुई है, ठीक है, तो उस समस्या का समाधान क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पता चल गया, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित और हस्तक्षेप डिजाइन करना, फिर उसके बाद आपको पता चल गया इसका समाधान क्या है, तो समाधान आपको पता है, फिर उस समाधान को कैसे लागू किया जाएगा, उसके कैसे नीति बनेगी, कैसे नियम बनेंगे, कैसे कार्यक्रम, यानी लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा, कैसे उसको बताया जाएगा, ये सारे पूरा क्या बनेगा, उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करना, यानी बत कहते हैं ना कि भैया जैसे हमें धूम्रपान दूर करना 2023 तक हम दूर कर देंगे 2024, यानी अपने टारगेट फिक्स करो, यानी कब तक हमारे समाज में से उस समस्या का समाधान करना है, और उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्या नीति बनानी है, क्या नियम बनाने हैं, क्या कानून बनाने हैं, इन भी चीजों को क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा डिजाइन यानी खाका तैयार करना पड़ेगा, पूरा रोड मैप जिसे हम बोलते हैं, पूरा खाका, यानी भैया जैसे आपको पता चलेगा कि हमारे समाज में समस्या है कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, समाधान क्या है, लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ बेटियां भी बेटों के समान है, इस प्रकार की बातें, बेटियां भी बेटों के समान है, बेटियां भी माँ बाप की पहचान है, या बेटियां भी आज बहुत कुछ काम कर सकती हैं, इस प्रकार की उसके समाधान तक पहुंचे, यानी जो लोग बेटियों को क्यों मार रहे हैं, रीजन क्या है कि वो सोचते हैं कि दहेज बहुत है, दहेज कैसे कम किया जाए, ताकि समाज में बेटियां जब पढ़ेंगी तब जो माँ बाप होंगे वह बेटियों को कभी भी अपने उसमें कोख में नहीं मारेंगे, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ों को अगर हम कह सकते हैं, तो पहला क्या करना पड़ेगा कि लोगों की समस्या का समाधान पहुँचा, फिर उसके लिए भाई डिजाइन तैयार करना पड़ेगा ना, लोगों को जो बेटियां पैदा हों उन पर कुछ पैसे दो, ठीक है, बेटी की पढ़ाई के लिए सरकार कुछ पैसे दे, या इस प्रकार के जो कार्यक्रम बनेंगे, जो नीति बनेगी, यानी भैया आपकी समस्या पता चल गई, समस्या क्या है, फिर समस्या का समाधान क्या है, यानी सोल्यूशन कैसे निकालोगे, फिर समस्या का समाधान तो अपने, फिर लोगों को सहायता कैसे जाएगी, लोगों को जागरूक कैसे किया जाएगा, लोगों को बताया कैसे जाएगा कि बेटी को न मारे, इसके लिए रोड में, फिर हस्तक्षेप प्रतिपादन, फिर क्या का? उसका उसको लागू कैसे, फिर उसको लागू करना, यानी उसको लास्ट में हमारा क्या रहेगा, हस्तक्षेप प्रतिपादन, इसके क्या बोलते हैं, उसको लागू होना, लागू क्रियाकलाप यानी क्रियान्वयन कैसे किया, यानी उस नीति जो है उसका हस्तक्षेप हो, उसको लागू कैसे किया जाएगा, इसी प्रकार से अप्रभावी हस्तक्षेप भी इसको देखेंगे। ये चार चीज़ें होती हैं भैया, समस्या को पहचान करना, समस्या के समाधान तक पहुंचना पड़ेगा, फिर लक्ष्य निर्धारित और हस्तक्षेप डिजाइन बना, फिर हस्तक्षेप प्रतिपादन, फिर उसको लागू कैसे करवाना, जैसे आपने पूरा बना लिया कि नियम है, कानून है, हमें हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट है, फिर उसे प्रतिपादन यानी लागू कैसे करवाओगे, यानी उसके लिए हमें क्या क्रियान्वयन यानी उसको क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, यहाँ इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है, हस्तक्षेप क्रियाकलापों का वास्तविक क्रियान्वयन पहले से कई तरह की तैयारी करना होता है, हस्तक्षेप की प्रकृति कई कारकों पर निर्भर है, जैसे समूह की संरचना, प्रकार, समस्या, प्रकृति, हस्तक्षेप, प्रभावशीलता का मूल्य, फिर उसको लागू करवाना पड़ेगा, इसके लागू कैसे करवाना पड़ेगा, कैसे लागू की, ये सभी चीज़ें क्या होती है, उसके चरण होते हैं, हस्तक्षेप की डिजाइन और प्रतिपादन के चरण क्या, ये भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट रहेगा इसमें क्या देखेंगे, हस्तक्षेप मूल्यांकन के प्रकार, देखो क्या है यहाँ पर बताया गया,
पोस्विकी एंड कैरी के अनुसार हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन दो प्रकार से किया जा सकता है। यानी जो हस्तक्षेप है उसका मूल्यांकन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से प्रकार से कर सकते हैं? परिणाम प्रक्रिया और परिणाम के जरिए। यानी जो आपने हस्तक्षेप कर दिया है, ठीक है, हस्तक्षेप कर दिया, आपने नियम बना दिया, आपने कानून बना दिया, ठीक है, नियम कानून बन गए हैं, कार्यक्रम बन गए, उनको लागू भी कर दिया। जैसे मैं बात करूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार ने हमारा कार्यक्रम बनाया है, चल भी रहा है, तो उसका भैया समय समय पर जांच भी तो करनी पड़ेगी। क्या सच में बेटियों को बचाया जा रहा है? क्या सच में हमारी बेटियां पढ़ने जा रही हैं? समय समय पर उसकी जांच करो। क्या कई बार क्या होता है कि अगर उसमें कोई कमी है, जो आपने कार्यक्रम बनाया है, जो अपनी नीति बनाई है, जो अपने लक्ष्य बनाए हैं, समय समय पर उनको चेक भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर हमें चेक भी करना, अगर उसमें कोई गलत है या उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। यानी जब हम हस्तक्षेप करेंगे तो उसका समय समय पर मूल्यांकन यानी उसको टेस्ट करना, उसको चेक करना जरूरी है। अगर हमारी जो नीति है, हमारे जो कार्यक्रम है, अगर उसमें कोई कमियां हैं, खामियां हैं, तो उनको अगर चेक करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा, ताकि उसमें जो समस्या उनको दूर भी करना, उसमें परिवर्तन। और हस्तक्षेप मूल्यांकन को दो चीज़ों से जाना सकता मूल्यांकन हो सकता, पहला प्रक्रिया और परिणाम के जरिए। प्रक्रिया मूल्यांकन को वर्णात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। जो प्रक्रिया मूल्यांकन है, किसी प्रक्रिया के जरिए हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करें। मान लो कि हमने जैसे बता दिया भैया कि बेटी बचाना है, तो सच में बेटियां बच रही हैं कि नहीं? बेटियों का जो रेशियो है, 1000 लड़कों पर जितनी लड़कियां होनी चाहिए, जितनी पहले थी, पहले मान लो 800 थी, जब हमने कार्यक्रम चलाया कि बेटी बचानी है, तो जब हमने कार्यक्रम चलाया है कि बेटियां बचाना है, तो 800 बेटियां उस टाइम था, 1000 लड़कों पर 800 लड़कियां थी। तो जब हमने ये चलाया कि भैया बेटी बचानी है, तो क्या सच में 800 जो रेशियो था वह बढ़ा रहा है कि नहीं? यानी उसकी प्रक्रिया को अपना, इसका वर्णात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। यह निश्चित करता है कि कार्यक्रम अपनी लक्षित जनसंख्या या दर्शक तक पहुंच रहा है या नहीं। जैसे मान लिए हमने कार्यक्रम बनाया है कि हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है, या जो हमने हस्तक्षेप किया है, जो हमने लक्ष्य बनाया है, क्या वो लक्ष्य पूरी जनसंख्या दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जैसे मान लो सरकार ने योजना चलाई, क्या सरकार की जो योजना है वह हर एक गाँव तक पहुँच गई है? यानी ज़्यादातर जो यानी हर जन यानी हर जिलों में, हर राज्यों में, हर गांव में क्या उच्च है, यानी जो हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो हमने बनाया, जो हमने अपने कार्यक्रम बनाए हैं, क्या वह सभी लोगों तक या दर्शकों तक पहुंच गया है या नहीं? कार्यक्रम में निर्धारित गतिविधियों को लागू किया गया है नहीं? यानी जैसे मान लो कि सरकार ने बताया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे गाँव में, हिंदुस्तान में जितने गाँव, सभी तक पहुँच गया है, या सभी राज्यों में पहुंच गया है, या सभी जिलों में पहुंचा या नहीं है? कितने लोग जागरूक हुए, कितने लोग नहीं हुए? तथा उसकी जो कार्यक्रम है वह लागू हुआ है या नहीं हुआ? कि मान लो कि कहीं पर लागू हुआ, कहीं पर लागू नहीं, तो लागू कितना हुआ कितना नहीं हुआ, इसी का हम क्या मूल्यांकन किया जाएगा। परिणाम मूल्यांकन प्रक्रिया मूल्यांकन के पश्चात किया जाता है। पहले तो आपको, जैसे आपने कार्यक्रम बनाया, नियम बनाया है, तो सभी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, कितने लोग उसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो लागू हुआ या नहीं लागू, सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें रिजल्ट देखना पड़ेगा, क्या हमने जब कार्यक्रम लागू किया था उस समय 1000 लड़कों पर 800 लड़कियां, तो क्या इस समय भी कितनी हैं, 800 से 850 हुआ है कि नहीं? अगर वो 850 हुआ है या 1000 लड़कों पर 900 लड़कियां हो गई हैं, तो एक परिणाम के जरिए भी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, रिजल्ट के जरिए। जैसे भैया हमने बना दिया कि शराब यानी कहना कि नशा कम करना, तो पहले जो नशे करने व्यसन करने वाले लोग थे, पहले मान लो कि 1000 लोग थे, क्या उसमें घट रहे हैं कि नहीं? यानी रिजल्ट के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन किया जा सकता है परिणाम के जरिए। परिणाम मूल्यांकन इस बात पर बल डालता है कि कार्यक्रम ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की है नहीं कि नहीं, यानी परिणाम के जरिए, रिजल्ट के जरिए। जैसे आपने कोई टारगेट बनाया था, आपने बताया था कि भैया कि हमारे मान लो कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था कार्यक्रम बना, तो 1000 लड़कों पर हमने बनाया था कि कम से कम 850 लड़कियां हो जानी चाहिए, तो क्या 850 जो लड़कियां थी वो हो रही कि नहीं हो रही, यानी हमारा जो रिजल्ट है वह हुआ है कि नहीं, इस बात पर बल डालता है। सामग्री मूल्यांकन इस बात पर केंद्रित करता है कि कार्यक्रम किस सीमा तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सका है। यानी मूल्यांकन के जरिए हम जान सकते हैं कि हमने जो कार्यक्रम बनाया है, जो हमने नियम बनाया है, वो कहां तक पहुंचा है, कितना लागू हुआ है, उसके लक्ष्य कहां तक पहुंचे हैं और कहां तक आगे जाएगा, और कितना कमी है, कितना अभी और काम करना है, पता चलेगा। मुख्यतः परिणाम मूल्यांकन का उद्देश्य इस बात को ज्ञात करना होता कि सहभागी या हस्तक्षेप के बाद, यानी सहभागी हस्तक्षेप बाद इच्छित परिवर्तन आया है कि नहीं।
कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यक्रम विकास में एक महत्वपूर्ण भाग है। कार्यक्रम मूल्यांकन का परिणाम प्राय चक्र मॉडल पर पुनः हस्तक्षेप को संशोधित है। देखो, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो कोई हमारी योजना है, कोई हमारी नीति है, वह सभी लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, ठीक है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, वो लागू हुआ या नहीं लागू हुआ, जो हमने लक्ष्य बनाया था वह लक्ष्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा, इसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा हस्तक्षेप होगा उसको मूल्यांकन किया जाता है, उसको जाना जाता है, इसको जानकारी ली जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं हस्तक्षेप मूल्यांकन, यानी हस्तक्षेप का मूल्यांकन करना, नहीं उसकी जांच भी करना भैया बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है, उसकी जांच जो चेकिंग है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या रहेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो जैसे मैंने आपको ये बताया हस्तक्षेप मूल्यांकन के प्रकार बताइए, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ। देखो जो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया था मैं बता रहा हूँ, इसमें आपसे क्या क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे एग्जाम में जैसे 7.5 वाला जो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखो व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में हस्तक्षेप के विभिन्न प्रकारों के मूल्यांकन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इस प्रकार से आएगा, तो आपको ये संक्षिप्त टिप्पणी में यही आपको बताना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। ये आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसमें एक चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, हस्तक्षेप डिजाइन और प्रतिपादन की चरण प्रक्रिया क्या है, इसकी मैं एक क्लास और लेकर के आऊँगा, और जो हस्तक्षेप डिजाइन और जो प्रतिपादन है इसकी जो प्रक्रिया वो कैसे चलती है इसको थोड़ा हम डीप में जरूर समझेंगे। अगली वाली जो क्लास रहेगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा हस्तक्षेप डिजाइन और प्रतिपादन की जो चरण प्रक्रिया, वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर दोबारा मैं और इसको डिस्कस कर दूंगा, किस चीज़ को मैं डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, 7.4 वाला जो 7.4 है ना, इसको मैं थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये जब 10 नंबर का आएगा ना, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर जब मैं आपको यहाँ पर बता रहा था यहाँ पर तो मैंने आपको समझा तो दिया है इसको, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, तो आप सब लोगों को यह जो बात है और समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास को जरूर ज्वाइन करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की क्लास आती रहेगी और मैं पूरी बुक आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।